जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। महाशिवरात्रि वाले दिन भांग खा लिया इसने। जब भी बड़े त्योहार आते हैं तो घर में होती है सफाई और थोड़ा सा डेकोरेशन। तो होली एक बड़ा त्योहार है, आ रहा है, तो सफाई तो होगी ही। थोड़ा सा मतलब छोटा मोटा डेकोरेशन तो मैं करूँगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे वैसे पूजा पाठ वाले त्योहार आते हैं तो मंदिर के आसपास की जगह की मैं सफाई कर देती हूँ। तो जैसे शिवरात्रि है तो मैंने ये काम जो है ऊपर की सफाई का काम 2-3 दिन पहले ही कर लिया था। ऊपर का लिविंग एरिया बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, केवल पूजा के काम के लिए ही ज़्यादातर वो यूज होता है। तो मैंने 2-3 दिन पहले अच्छी तरीके से बेडशीट कुशन कवर्स वगैरह चेंज कर दिए थे। ये मैंने ऑनलाइन खरीदे हैं, बहुत अच्छे लगे थे मुझे ये कुशन कवर। और इसके साथ त्योहार से पहले एक बहुत जरूरी चीज होती है और वो होती है फ्रिज की सफाई की। जो भी झूठा सामान वगैरह रखा रहता है वो सब मैं निकाल देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर दिया मैंने और इसी तरीके से बाहर भी क्लीन करके डेकोर कर दिया। और अब त्योहार है तो जो भी फल वगैरह है वो मैं 1-2 दिन पहले ही लेकर आ गई हूं और इन फलों को मैं सेट कर दूंगी। जैसे सब लोगों क्योंकि आज के दिन सब लोगों को जो खाने हैं वो फल ही खाने हैं, तो जो फ्रूट्स होते हैं इनके छिलके भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये सब चीजों को हम कैसे यूज करें वो भी मैं आज के वीडियो में आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगी। तो ये मेरा काम कुछ तो हो गया 1-2 दिन पहले, कुछ हो गया शिवरात्रि वाले दिन। और अब मैं जा रही हूं नहाने, क्योंकि अब मुझे करना है बहुत ही ज्यादा ढेर सारा काम। मंदिर में मैंने माता रानी रख रखी हैं, उनकी सेवा मैं करती हूँ। हर संडे को मैं उन्हें स्नान करके उनका श्रृंगार बदल देती हूँ। डेली मैं उनका जो है श्रृंगार नहीं बदलती हूँ। तो अब क्योंकि 1-2 दिन पहले संडे था, उसी दिन मैंने उनका श्रृंगार चेंज कर दिया था, इसलिए महाशिवरात्रि वाले दिन मैंने जो है कोई श्रृंगार उनका चेंज नहीं किया। और अब मैंने जो है नहाने के बाद अब मुझे जाना है मंदिर। मैं कर रही हूँ अपने मंदिर जाने की तैयारी। ये है जल में जो है गंगा जल है और एक अलग से लोटा भी ले लिया है। ये अभी इसमें रखूंगी और सामान, फल वगैरह। ये हो गया दूध और इसमें है दही। रहते हैं देखो इसमें, छोटी सी में तो रहते हैं मेरे मतलब बत्तियां रहती हैं पूजा की। शहद है, इत्र है और इसमें दक्षिणा भी है। हाँ, माँ पार्वती का श्रृंगार भी है और उनकी इसमें चुनरी भी है। मैं अपने घर की पूजा करके मंदिर नहीं गई थी। आने के बाद मैंने ठाकुर जी का अभिषेक किया दूध से, दही, शहद, बूरा, इन सब चीज़ों से। और मेरी जो सुबह की पूजा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई। उसका रीज़न ये है कि मुझे आज एक नए भगवान अपने घर में लेकर आने थे, तो वो भी मैं आज आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। भोले बाबा की माला लेके आ, नीचे से फ्रिज में रखी होगी बेटा। चीकू की जिंदगी कितनी मौज की है, देखो कैसे सो रहा है। ये रजाई इसी को मिल गई है। महाशिवरात्रि वाले दिन भांग खा लिया इसने। फास्ट जिस दिन होता है ना उस दिन सब लोग खूब फ्रूट्स खाते हैं। ये मैंने कांच की बोतल साफ कर ली है और ये सब हैं छिलके। किस चीज के हैं ये? हैं जो संतरे होते हैं ना उसके छिलके हैं, देखिए ऑरेंजेस के। और देखो इससे विनेगर से बनाऊंगी मैं बहुत ही अच्छा क्लीनर। किचन में अक्सर करके आप देखते हैं छोटे छोटी सी जो है कीड़े हो जाते हैं, जो मतलब मच्छरों की तरह से होते हैं। और एक अलग सी स्मेल भी घर में आती रहती है। ग्लास क्लीनर का भी काम आपको चाहिए तो देखिए मैंने संतरे के छिलके कांच की बोतल में छोटे छोटे टुकड़े करके डाले और उसमें डाल दिया ये विनेगर। अच्छी तरह से इसमें सोख हो जाए इतना डाला है और करीब 15 दिन तक मैं इनको किचन की खिड़की में रख दूंगी, धूप इन्हें लगती रहे इस तरह से। और जब मतलब 15 दिन हो जाएंगे उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर मैं एक इसे क्लीनर की तरह से यूज करूंगी। बहुत अच्छा है, जैसे मक्खी मच्छर किचन में या घर में कहीं पे भी आए इसका यूज करिए। अगर आपके घर में कोई सी भी स्मेल आ रही है तो इसको स्प्रे कर दीजिए, बहुत ही अच्छा है। 15 दिन बाद फिर इसका अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, ऐसा कर लीजिए आप लोग भी। अब मुझे बनाना है खाना, तो
क्योंकि अभी बना के रख दूंगी, तो पूरा जो भी अपना काम है दिन भर करती रहूंगी। तो मैं बना रही हूँ खीर, और खीर बना रही हूँ गाजर की। मेरी अब खीर बनती है या कुछ बनता है तो देखो मिट्टी के बर्तन में बनता है, मैंने आपके साथ किया था ना, बहुत अच्छे हैं। मैं अब जो भी खीर या मीठा बना रही हूँ ना वो इन्हीं बर्तनों में बना रही हूँ, अच्छे मतलब अच्छा सा फील होता है। और इसमें बॉयल हो रहे हैं आलू, क्योंकि मैं बनाऊंगी खिचड़ी। और हाँ, खाना बनाने के बाद ना मुझे एक बहुत ही स्पेशल चीज लेने जाना है। अब ये दूध मैंने जो गाढ़ा होने के लिए रखा है, एक्चुअली से हमें गाढ़ा नहीं करना है, केवल बॉयल देना है। और जैसे ही दूध उबल जाएगा तो उसमें हम कसी हुई गाजर डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है जो कि आप व्रत या बिना व्रत के भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जब मैं ये खाना बना रही थी, मैंने अपना व्रत का खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने साबूदाना ये भिगो के रख रखा था, आप लोगों को लास्ट वीडियो में शेयर किया था, मतलब तैयार करके रखा था, भिगो के नहीं। तो मैंने इसी से अपनी व्रत की जो है दो तीन रेसिपी बना ली हैं। और मेरा और करण का व्रत है, और अमर जो है नॉर्मल खाना खाएंगे। तो पहले मैंने व्रत का खाना बनाया, उसके बाद रेगुलर खाना मैं बनाऊंगी। तो थोड़ी सी तो खिचड़ी बन गई, थोड़े से आलू बन गए, और दूध बॉयल हो गया है। इसमें गाजर डाल के मैंने खूब अच्छी तरीके से गाजर को गला लिया। और हाँ, आज जो लड्डू गोपाल है ना, उनको भी अन्न का भोग नहीं लगेगा, उनको भी सारा यही वाला भोग मैं लगाऊंगी। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद मुझे जाना था मार्केट, कुछ जरूरी चीजें लेकर आनी थी, अभी बताऊंगी आपको। तो ये देखिए जन्मभूमि का रास्ता है, बिल्कुल जन्मभूमि का ये गेट अभी तैयार हो रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का। और इसके अंदर कैमरा वगैरह ले जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है जन्मभूमि के अंदर, तो कभी बाहर से ही आपको बताऊंगी दिखाऊंगी। और ये मैंने जो मेरी शॉप है जहां से मैं सारा सामान खरीदती हूँ, तो आप लोग कई बार पूछते हो, तो जो द्वारकाधीश का मंदिर है उसके पास ही ये शॉप है, और मैं यहीं से ही सामान खरीदती हूँ। और देखिए ये मथुरा के बिल्कुल वो द्वारकाधीश मंदिर के आसपास की गलियां हैं। तो सामान खरीद के मैं लौट आई घर। अब मुझे अपने जो सामान में लेकर आई हूँ, आप लोग समझ तो गए होंगे, अपने जो गणपति भगवान हैं और लक्ष्मी माता हैं उनको मुझे स्थापित करना था। तो पहले मुझे क्या करना था, मंदिर थोड़ा सा साफ किया, जल से अच्छी तरह से स्नान कराया, कुछ मंत्र वगैरह मुझे बता रखे थे वो मैंने बोले, और जो उनका श्रृंगार था वो श्रृंगार करके मैंने मंदिर में जो गणपति भगवान हैं और माता रानी हैं उनको स्थापित कर दिया। बहुत अच्छा दिन है आज का महाशिवरात्रि का स्थापित करने के लिए। और शाम को ही मैंने क्या किया, जो शंकर भगवान है ना उनके वस्त्र वगैरह बदले, क्योंकि दिन में तो जैसा मैंने आपको बताया सुबह के टाइम में ये काम नहीं कर पाई। हाँ, मंदिर में मैं बेल पत्र हुए, धतूरा हुआ, वो सब मैंने चढ़ा दिया था, उन सब चीजों का भोग। और मैं जो हूं ना, जब कभी भी कोई त्योहार होता है तो बंधनवार जरूर लगाती हूं, लेकिन इस बार थोड़ा सा मेरा बंधनवार मिस हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, जो मुझे पाठ करने हैं, जो पूजा करनी है वो मेरी सारी हो गई। वैसे तो कोई अन्न का भोग नहीं लगता, फलारी का ही भोग लगता है, लेकिन अब क्योंकि गणपति भगवान आए हैं तो जो है मैंने बूंदी के लड्डू मंगा लिए। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अरे सूर श्याम शरण आए सुफल कीजे सेवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, स्वीकारो नमन। और एक चीज और, पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद मैंने शाम को ही अपना जो शिव पुराण का पाठ होता है वो किया, मैंने अब शुरू कर दिया है, और मैं अब डेली ही कोशिश करूंगी कि शिव पुराण का पाठ कर सकूं। दिन जो महाशिवरात्रि का दिन था ना, इस दिन मेरी एक बड़ी इच्छा थी, मेरी काफी दिनों से इच्छा थी कि मैं गणेश भगवान और लक्ष्मी माता को अपने घर में लेकर आऊं पीतल की। मेरे पास काफी पहले से जैसे चांदी के तो हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, मैं उनका चेहरा दिखाई नहीं देता, तो सालों से मैं उन्हीं की पूजा कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे करके चीजें इकट्ठी कर रही हूँ, तो इस बार सोचा कि चलो इस त्योहार पे लेती हूँ, एक बहुत अच्छा दिन होता है। मैं पीतल के ले आई हूँ, स्थापित उन्हें मैंने कर दिया है, आपको दिखा भी दिया है। के अलावा और चीजें मैं दिखाती हूँ आपको जो मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है, जो अब गर्मियों की चीजें शुरू होती हैं ठाकुर जी की सेवा में,
वो विशेषकर या खासकर वो शुरू होती हैं अक्षय तृतीया के बाद, जैसे उनकी सुराई, ठंडे पानी की शरबत और उनके इत्र बदले जाएंगे, जैसे अब तक केसर का, कस्तूरी का, हिना, ये सारे गर्म इत्र उनके चल रहे हैं जो धीरे धीरे करके चेंज होंगे। मैंने फिलहाल गुलाब का शुरू कर दिया है इत्र लगाना, और ये जो बिल्कुल हल्के से कपड़े होते हैं ना ठाकुर जी के, ये ले आती हूँ। तो देखो होली पे पहनने के लिए उनके लिए मैं लेकर आई हूँ, होली वाले दिन पहनने के लिए मैं ये लेकर आई हूँ उनके लिए एक ड्रेस। इस तरीके की एक ड्रेस मेरे पास ऑलरेडी है, और मैं बताऊँ इसके मैचिंग का है एक मुकुट, बहुत सुंदर सा ये भी है। एक माता रानी के लिए मैं लेकर आई हूँ, और जिसे पहन के ठाकुर जी होली खेलेंगे ना, वो भी तो वस्त्र चाहिए, कुर्ता पजामा। मेरे पास उनका एक नया कुर्ता पजामा है, बट मैं ये ना बिल्कुल होली के हिसाब से उनकी धोती और कुर्ता लेकर आई हूँ। एक अभ्यंग है जिससे, जैसे हम लोग जो नहाते हैं वो साबुन लगाते हैं ना, तो ठाकुर जी का जो जिससे मैं उन्हें नहलाती हूँ वो अभ्यंग होता है। मैंने कई बार आपको बताया है, ये अभ्यंग की डब्बी आती है, मैंने ऑनलाइन देखा था, ऑनलाइन ये काफी महंगी मुझे दिखी थी इसलिए मैंने इसका लिंक नहीं दिया था। तो लोकल मार्केट में पूजा की कोई भी शॉप हो तो वहां से ले लीजिए, जो पीतल की मूर्तियां होती हैं उनसे ये अभ्यंग पाउडर से अगर आप उन्हें नहलाते रहते हैं तो वो चमकती भी रहती हैं, काफी अच्छी साफ सुथरी वो मूर्तियां रहती हैं, और जो इसकी खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये अभ्यंग की डब्बी मेरी खत्म हो रही थी, मैं ये लेकर आई हूँ। और ये देखिए, जैसे होली दिवाली पे हम अपने देवताओं की जो है जो उनकी छवि होती है उनकी, या मैं आपको बता दूं जो उनकी फोटो होती है, या आपने स्थापना कर रखी है अपने घर में देवताओं की, तो होली दिवाली उनके मालाएं वगैरह बदली जाती हैं, तो उसके लिए मैं ये दो मालाएं लेकर आई हूँ। कुछ ठाकुर जी की जो पिचकारी वगैरह होती है वो लेकर आई हूँ मैं, जो होली पे उनकी जो एक ना उनकी होली पे बाल्टी होती है और पिचकारी होती है, तो देखो मैं पिचकारी की, तो ये पिचकारी होती है, ये बाल्टी है, अलग अलग तरीके की ये बाल्टियां होती हैं, पीतल की भी आती हैं, और ये पिचकारी खूब बढ़िया चलती हैं, इनमें ना सीरिंज वगैरह से ये बनती हैं। तो ये हो गई उनकी होली की ये वाली, तो ऐसी मैंने ली है होली की। और मेरे ठाकुर जी के केश हैं ये, और इसके अलावा बहुत ही सुंदर चीज है, मैं अपने ठाकुर जी के लिए लेके आई हूँ छोटी सी जूतियां, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। कुछ आप लोगों ने एक चीज पूछी थी, मैंने गाय वाली जो पिछवाई है वो मैंने कहाँ से ली थी, वो मैंने लोकल मार्केट से ली थी, और वो मुझे ऑनलाइन भी दिखी थी, अगर दिखेगी तो बता दूंगी। ये कुछ अच्छे बिछाने के वस्त्र हैं, ये मैं लेकर आई हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है होली की मैंने शुरू कर दी है। तो होली की जब कभी भी मैं खरीदारी शुरू करती हूँ तो सबसे पहले शुरू करती हूँ अपने ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल की खरीदारी से। और एक चीज और है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हम कभी कभी भगवान जी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, तो उसको चिपकाने के लिए एक गोंद आता है, तो उसे मैं गोंद बोल रही हूँ आपको, तो वो व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में इस तरह से आता है, तो वो भी मैं लेकर आती हूँ, एक डब्बी में मिल जाता है, और उससे जैसे उनके मुकुट वगैरह है सरक जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो आप उन्हें लगा सकते हैं। देखो अगर आपके पास सेवा है भगवान जी की, तो आपको अपने भगवान जी की स्थापना ऐसे करनी चाहिए कि आप उनकी सेवा अच्छे से कर सको। तो ये सब चीजें किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। तो ये था मेरा महाशिवरात्रि का एक छोटा सा वीडियो, जो भी मैंने आज के दिन किया वो आपके साथ शेयर किया। हाँ, थोड़ा सा पूजा पाठ करने से मन को बहुत शांति मिलती है, तो थोड़ी सी शिव पुराण, शिव चालीसा, मंत्र वगैरह पढ़े, कुछ भी इस दिन अगर आप मांगते हैं तो मनोकामना पूरी होती है ना। तो फिर दोस्तों ये था मेरा व्लॉग, फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए, और कोशिश करूंगी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की और आपसे शेयर करने की। तो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और फिर मिलेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।